हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं गल्फ जाने के लिए किस तरह से टेस्ट मारा जाता है और उसका प्रोसेस क्या है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, कितना दिन का एक्सपीरियंस चाहिए, तो सब कुछ इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, यहाँ पर गल्फ जाने के लिए ये एक वेल्डर का टेस्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका पीस देख रहा है, तो कोई भी आपका पीस हो सकता है, 4 इंची हो सकता है, चाहे 6 इंची हो सकता है, या फिर 2 इंची का हो सकता है। जिस टाइप का जॉब रहेगा उस टाइप का आपका टेस्ट का रिक्वायरमेंट रहता है। अगर आपका जहाँ पर आप जाएंगे गल्फ कंट्री में, अगर रिफाइनरी है या फिर पावर प्लांट है, तो अगर वहाँ का जो क्लाइंट है वो बोलेगा कि 6 इंची में टेस्ट मारना है, तो आपको 6 इंची में मारना पड़ेगा। अगर वहाँ का इस टाइप का जॉब है, ज़्यादातर अगर 2 इंची का जॉब है, तो आपको ही 2 इंची में ही टेस्ट मराएगा। अगर इससे कम बेसी हो सकता है, अगर 2 इंची भी हो सकता है, आपको 4 इंची भी हो सकता है, 6 इंची भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं गल्फ जाने के लिए आपका क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका जो है, आपका जो एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस वो लोग खोजता है, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश और नया IBR या फिर LP वेल्डर में आप जा रहा है तो वो लेना नहीं चाहता है, पहली बात। और आपका टेस्ट तो मारना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले, जाने से पहले तो आपको एक बायोडाटा बनाना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ पर जॉब किए हैं। उसके बाद आपका पासपोर्ट रहना कंपलसरी है, बिना पासपोर्ट का तो होगा नहीं, ये तो सभी को मालूम है। अगर आपके पास बायोडाटा बना लिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है और आपके पास पासपोर्ट भी है, तभी आप गल्फ के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं, जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जब इंटरव्यू होगा तो थोड़ा सा आपको पूछा जाएगा, जब आप पेपर लेकर के जाएंगे तो आपको पूछेगा कि आप कहाँ कहाँ का पर आपने काम किया है, उसके बाद आपने कौन कौन सा मटेरियल को मारा है, तो यही थोड़ा बहुत पूछता है। और आपका जो आर्गन गैस होता है, ये कौन सा गैस में वेल्डिंग होता है, इस टाइप का थोड़ा पूछता है। ज़्यादा इसमें आपका तामझाम नहीं होता है। कभी कभी पूछता है GTAW का फुल फॉर्म क्या होता है, तो GTAW का फुल फॉर्म तो सभी को मालूम है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। और भी छोटा छोटा सवाल पूछता है, जैसे कि आप कौन से मटेरियल में अभी मारने जा रहे हैं, अगर आप कार्बन स्टील में मारने जा रहे हैं तो इसमें कौन से फिलर वायर और कौन से इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे। तो कार्बन स्टील में अगर आप मारने के लिए जा रहे हैं तो उसमें बस आपको बोलना है 7082 का जो फिलर होता है और 7018 से इसको फाइनल करना है, ठीक है। 7082 से आपका रूट मारना है और 7018 जो होगा इलेक्ट्रोड जो होगा उसमें आपको आर्क या फिर फिलर फाइनल किया जाएगा। इस टाइप का बोलना है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आप कहीं के लिए भी इंटरव्यू में जा रहे हैं गल्फ कंट्री के लिए, तो आपको टेस्ट कंपलसरी मारना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, कहीं में अगर आप जॉब सीख रहे हैं या फिर ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर आप कई जगह में हेल्पर से सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा से अच्छा काम करने के लिए, अच्छा से अच्छा वेल्डिंग करने के लिए सीख जाइए। क्योंकि अभी इतना जो टेस्ट होता है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा भी 19-20 हो जाने से आप वापस आपको घूम करके घर आना पड़ेगा या फिर दूसरे जगह जाना पड़ेगा, उसमें क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा। इसीलिए थोड़ा सा कोशिश करिए कि थोड़ा अच्छा से अच्छा रूट है थोड़ा मारने के लिए, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ना आ जाए, ज़्यादा स्टार्टिंग पॉइंट ना आ जाए या फिर एक्सेस पेंटिसम ना आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा से मारने का कोशिश करिए, तब आपका जल्दी से आपको वैकेंसी जब आएगा तो आपको सिलेक्ट कर लेगा और उसके बाद आपको गल्फ कंट्री में भेज देगा। और उसमें आपको अच्छा खासा पेमेंट भी आ जाता है, उसमें आपको फ्री गेम भी, कभी कभी फ्री गेम रहता है, उसके बाद आपको कभी कभी थोड़ा बहुत पैसा भरना भी पड़ता है। और इसमें और ज़्यादा कहने का कुछ है नहीं। कभी भी अगर आप बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वेल्डर मार रहा था, इनका नाम है प्रहलाद मारजी, जो कि वेस्ट बंगाल से है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा रूट मारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एकदम रिंग जैसा रूट मारा है और इनका सिलेक्शन भी हो गया है। तो आपको भी अगर आप बाहर जाने के लिए कहीं में अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि इस टाइप का रूट मारने के लिए, तभी आपको गल्फ में भेजेगा, विदेश में भेजेगा। क्योंकि क्वालिटी अभी दिन का दिन बहुत ज़्यादा हार्ड होते जा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, इतना ज़्यादा वेल्डर बन गया, इतना ज़्यादा IBR बन गया, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इसमें से जो सबसे अच्छा वेल्डिंग करेगा, जिसका रूट सबसे अच्छा होगा, उसी के सिलेक्ट करेगा और बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा, और उसको आपको घर को आपको घूम करके आना पड़ सकता है। और अगर आप कहीं में पर अगर टीग एंड आर्क वेल्डिंग सीखना चाहता है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसका नंबर हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनसे संपर्क करके इसमें आप टीग एंड आर्क वेल्डिंग का काम सीख सकते हैं। या फिर आपको अगर मीग वेल्डिंग सीखना है तो ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर आप मीग वेल्डिंग भी सीख सकते हैं, उसके बाद 3G 4G वेल्डिंग भी सीख सकते हैं। इसका प्राइस भी कम है। अभी बहुत जल्दी आपको एक वीडियो आने वाला है जो कि इस इंस्टीट्यूट के बारे में रहेगा, उसमें कितना खर्चा आएगा, उसमें क्या क्या आपका
प्रोसेसर रहेगा, क्या क्या खाना के लिए देगा कि नहीं देगा, रूम देगा कि नहीं देगा, सब कुछ उस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। कितना तक खर्चा आएगा तो सब कुछ हम इस वीडियो में बात कर देंगे, लेकिन इस वीडियो का अभी हम नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि इस वीडियो का भी लंबा हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो इंस्टीट्यूट है आपका आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम ऑटो नगर में आता है। इनका फ़ोन नंबर हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कॉल कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो का दिल से पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।